एआईसीसी के सदस्य सुनील शर्मा बिट्टू ने दिखाई ताकत। लोकसभा चुनावों में खुद को प्रत्याशी के रूप में देख रहे बिट्टू, लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट ने टिकट के चाहवानों को और अधिक सक्रिय कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुनील बिट्टू ने जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं की संख्या अधिक रही। मंच पर मौजूद सभी कांग्रेस नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस के इतिहास को स्वर्णिम बताते हुए सुनील बिट्टू के पक्ष में टिकट की मांग की तथा लोगों से उनका भरपूर सहयोग देने का आग्रह किया गया। यही नहीं, बीच बीच में लोग बिट्टू के पक्ष में नारेबाजी भी करते रहे। इस मौके पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल का एक साल निराशाजनक रहा है। अपराध बढ़े हैं, सड़कों की हालत खराब है, लोगों के काम नहीं हो रहे और समय पर डिपो में राशन नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जन आवाज पंचायत प्रतिनिधि सभा अभियान शुरू किया है। अगर हाईकमान ने टिकट के काबिल समझा तो जीत कर दिखाऊंगा। इस मौके पर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप पठानिया, कांग्रेस नेता रामचंद्र पठानिया, राजेश ठाकुर सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। भाजपा का जो एक साल हिमाचल प्रदेश का रहा और मोदी जी का जो पाँच साल हिंदुस्तान की राजनीति में रहा, प्रदेश में लोग बेहाल हैं, प्रदेश में जो सरमाएदार हैं उनकी मौज हो रही है। आज हम यहाँ पर इकट्ठा होकर के लोगों में एक आवाज़ लेकर के आए हैं और उस आवाज़ का नाम है जन आवाज़, जिसके चलते हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल मात्र बातें की हैं, देश के विकास में उनका कोई भी सहयोग नहीं रहा है। प्रदेश सरकार के एक साल का तो जहां तक काम है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून नहीं है, दिन दहाड़े ऑफिसर्स की मौत हो जाती है, शिक्षा के नाम के ऊपर कोई बात नहीं है। हमारे मेडिकल कॉलेज जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की देन है, एक साल ख़त्म होने को आया है लेकिन अभी तक उसका हॉस्टल नहीं बना है। किस तरीके की सरकार है? मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी जो सरकार गंभीर नहीं है, उससे बड़ी किसी भी सरकार की जो है वो कमजोरी या नालायकी नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में सरकार बेहाल है। लोग जो हैं आने वाले लोकसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करेंगे।